हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। एक बार फिर स्वागत है आपका हमारे इस नए वीडियो में। सो गाइज, आप लोग ये थंबनेल देख के आप लोग को तो समझ में आ ही गया होगा कि ये किस पे वीडियो है। जी हाँ, तो आप लोग थंबनेल देखा ही तो आप लोग समझ ही गए कि स्कोर कार्ड NTA ने जारी कर दिया है। जी हाँ, तो ये बात बताने में मुझे बहुत ही खुशी हो रही है कि आप लोग जो है कि बहुत ही ज़्यादा उत्तेजित थे, बहुत ही ज़्यादा परेशान थे कि कब वो रिजल्ट आएगा। उन लोगों की जो उत्तेजना है ख़त्म होगी, ठीक है। तो NTA ने अभी रिजल्ट जारी कर दिया। हालांकि ये रिजल्ट जारी करने में बहुत ही ज़्यादा देर कर दिया है, ठीक है, लेकिन इससे हम लोग को घबराना नहीं है। अब जाकर आप लोग जल्दी से रिजल्ट को चेक करिए, ठीक है, और उसके बाद आप लोग प्रैक्टिकल में लग जाइए। इससे पहले आप लोग नए वीडियो में नए हैं तो प्लीज वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल पहली बार प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। तो आइए चलते हैं, हम आपको दिखाते हैं कैसे कैसे चेक करना है, स्टेप बाय स्टेप आपको दिखाते हैं। तो आइए स्क्रीन पर चलते हैं। सो गाइज, अभी जो है कि हम लोग, ये मेरा अभी स्क्रीन है, ठीक है, और स्क्रीन पर अभी हम लोग यहाँ पर जाएंगे और ऐसे ही सिंपली गूगल पर जाना है। और गूगल पर यहाँ पर आप लोग सर्च बार में जाना है, NTA CUET यूजी रिजल्ट। देखिए आप लोग जैसा देख रहे हैं कि नीचे ही आ गया है, ठीक है, तो इस पर हम लोग क्लिक करेंगे। अरे यार, डाटा बंद हो गया है। कोई नहीं गाइस, अभी हम लोग डाटा को ऑन करेंगे। तो आप लोग भी डाटा खोल दीजिएगा अपना चेक करते समय। तो अभी नेटवर्क थोड़ा सा इशू है अभी हम, हाँ, तो अभी जो आप लोग को पहले पे ही जो दिख गया, ठीक है, और पहले पे ही आप लोग को क्लिक करना है। और ऐसे आप लोग क्लिक करें तो देखिए लेटेस्ट न्यूज़ में आप लोग को दिख रहा है, ऐसे चल रहा है, ठीक है, इसी में दिख रहा है आपको स्कोर कार्ड, ठीक है, तो इसी पे हम लोग को क्लिक करना है। तो इस पे हम लोग क्लिक कर दिए, ठीक है, और ऐसे अब ये है कि क्लिक हियर फॉर CUET UG 2024 स्कोर कार्ड, ठीक है, 28 जुलाई, यानी कि आज ही, ठीक है, तो इस पे हम लोग क्लिक करेंगे। तो इस पे हम लोगों ने क्लिक कर दिया है। अब इसमें आ रहा है कि प्लीज़ चेक योर फोटोज़ एंड स्कैन QR कोड, ठीक है, एंड स्कोर कार्ड इफ़ अदर मिसिंग प्लीज री डाउनलोड इट्स योर स्कोर कार्ड इज इनवैलिड विदाउट बोथ फोटो एंड QR कोड। तो इसमें जो है कि पहले में हम लोग को अप्लीकेशन नंबर मांग रहा है, ठीक है, दूसरे में डेट ऑफ बर्थ मांग रहा है, ठीक है, और जो है कि कैंडिडेट का ईमेल ID मांग रहा है, ठीक है, और उस कैंडिडेट का मोबाइल नंबर मांग रहा है, और जो है कि कैप्चा कोड मांग रहा है, ठीक है। तो सिंपल सी बात है, आप लोग आसानी से कर लेंगे। तो मेरा एक दोस्त है, ठीक है, जो इस बार एंट्रेंस एग्जाम दिया है, उसका हम डालते हैं अप्लीकेशन नंबर, देखते हैं कैसे होता है। यहाँ पर सिंपली हमने अप्लीकेशन नंबर को डाल दिया है और अब हम डेट ऑफ बर्थ को डालेंगे। इसमें आप लोग को दो चीज़ दिख रहा होगा, या तो ईमेल डाले या फिर मोबाइल नंबर, ठीक है, तो हम लोग मोबाइल नंबर डालते हैं। अब यहाँ पर नीचे सबमिट का ऑप्शन दिख रहा है, ठीक है, तो सबमिट करते हैं। देखिए सबमिट करने पर आप लोग को ये सिंपल सा ये आप लोग को एक पेज दिख रहा होगा, ठीक है, और इस पेज पर आप लोग को सामने दिख रहा होगा जो स्कोर कार्ड है वो दिख रहा है, ठीक है। तो स्कोर कार्ड सिंपली हम जूम करके आप लोग दिखा सकते हैं, ये फाइन आर्ट विजुअल आर्ट स्टूडेंट, ठीक है, और स्कल्पचर कमर्शियल आर्ट, ठीक है, और टोटल मार्क्स जो है कि 200 का था, ठीक है, और इन्होंने 141 लाया है, 200 में 141 लाया है, ठीक है। और तो दोस्तों आप लोगों ने समझा, ठीक है गाइज, अभी आप लोगों ने देखा कि कैसे CUET का रिजल्ट जो है कि चेक करते हैं स्टेप बाई स्टेप, आप लोग समझा, ठीक है, बहुत ही सिंपल है। तो जाइए आप लोग और चेक कीजिए, ठीक है, और घबराने की बिल्कुल ही बात नहीं है। अब हाँ, जो लोग जितना जिस हिसाब से तैयारी किए हैं उस हिसाब से उन लोगों को नंबर मिला हुआ, ठीक है, तो आप टेंशन मत लीजिए। और हाँ, आप लोग ये सोच रहे हो कि मेरा कम नंबर आया है तो मैं तैयारी नहीं करूँगा, तो ये आपकी बहुत ही गलत सोच होगी, ठीक है। तो अब से आप लोग प्रैक्टिकल पर एकदम लग जाइए, क्योंकि स्कोर कार्ड आने के 10-15 दिन बाद ही आपको एग्जाम होता है, ठीक है। अगर आप लोगों ने पहले एग्जाम दिया हो तो आप लोगों को पता होगा, ठीक है, तो जो अभी स्कोर कार्ड आया है तो आज से 10-15 दिन बाद जो है कि एग्जाम हो जाएगा प्रैक्टिकल का। तो आप लोग एकदम लग जाइए, एकदम पूरा तोड़ दीजिए दबा के, ठीक है। तो वीडियो आप लोगों को कैसा लगा, वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल पहले बार प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, और अपने दोस्तों को शेयर करना मत भूलिएगा। जो लोग BFA का तैयारी कर रहे हैं तो आप लोग देख लीजिएगा, उसको नहीं शेयर करेंगे वो आप लोगों को बाद में गुस्सा करने वाले, ठीक है, दोस्ती टूट सकती है, ठीक है। तो हम नहीं चाहते कि आप लोग इतनी प्यारी दोस्ती है वो टूटे, ठीक है। तो आप सभी लोग जो है कि वीडियो को शेयर वगैरह कर दीजिएगा। तो मिलते हैं आपके साथ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।